आवाज आ रही है? हाँ वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर है और आप हैं अनअकैडमी के लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स चैनल पे। दोस्तों, अनअकैडमी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को हासिल कर रहे हैं। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, इसके बारे में आपसे संक्षिप्त चर्चा कर ली जाए। तो दोस्तों, जब आप अनअकैडमी के लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स चैनल से जुड़ेंगे, आप बीपीएससी प्लस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके सिलेबस का कंप्लीट आपको कवरेज मिलेगा। बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आपके बिहार एसएससी के एग्जाम हो, बीपीएससी के एग्जाम हो, बिहार एसआई के एग्जाम हो, सचिवालय सहायक के एग्जाम हो, एएसआई के एग्जाम हो, जो भी बिहार से संबंधित जो एग्जाम है, इन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको 50 से अधिक टॉप के एजुकेटर मिलेंगे इस मंच पे, जिनके गाइडेंस में आपको इन एग्जाम्स की तैयारी का मौका मिलेगा। दोस्तों, अनअकैडमी का जो यूट्यूब पे आप फ्री क्लासेस लेते हैं लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम चैनल का, या आप अनअकैडमी के ऐप पे जो स्पेशल फ्री क्लासेस लेते हैं, इन फ्री क्लासेस की दोस्तों कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है। वैसे तो इस फ्री क्लासेस की भी क्वालिटी आपकी बेहतर है, बेस्ट है, लेकिन इन फ्री क्लासेस की सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं दोस्तों? तो इसमें आपको फ्री क्लासेस में सिलेबस जो होता है दोस्तों, वो आपको लिमिटेड तौर पर ही कवर किया जाता है। लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलता है और ओकेजनली आपको पीडीएफ नोट्स की सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उस डाउट्स का सोल्यूशन भी दोस्तों लिमिटेड तौर पर ही होता है। लेकिन जब आप बीपीएससी के प्लस क्लास को जब आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी पे, बीपीएससी के जब प्लस क्लास को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हर चीजें आपको सरप्लस मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब आपके सिलेबस का कंप्लीट कवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस कवर होता है, जबकि प्लस क्लास में आपको कंप्लीट आपको सिलेबस का कवरेज मिलेगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा दोस्तों आपको मिल जाएगी, और इस प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी का बेहतर मूल्यांकन आप कर सकते हैं। आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ नोट्स की जरूरत होती है। अनअकैडमी के बीपीएससी प्लस क्लास को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स की सुविधा मिलेगी, जिसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में आप अपने पास रख सकते हैं और तैयारी के दौरान इनका उपयोग कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं दोस्तों, उन डाउट्स का सोल्यूशन टॉप के एजुकेटर के माध्यम से होता है, आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो क्या क्या फायदा हुआ आपको बीपीएससी प्लस क्लास को सब्सक्राइब करने का? तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में चीजों को लर्न करते हैं। डिफरेंट बैच कोर्स है, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, जिसमें आप लाइव क्लास में अपने डाउट्स को एजुकेटर से पूछते हैं और उस डाउट्स का सोल्यूशन पाते हैं। इंटरेक्शन के लिए आपको पोल, कॉमेंट्स, क्विज की सुविधा उपलब्ध है। और एक महत्वपूर्ण फायदा दोस्तों आपको यह है कि सिर्फ वन सब्सक्रिप्शन पे ही आपको अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा मिल जाएगी। अर्थात आप हर कैटेगरी के कोर्स के लिए, हर एजुकेटर के क्लास को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे। वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनका आप ऑफलाइन भी उनको वॉच कर सकते हैं, और रिवीजन के लिए आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज के अंदर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सेशन की सुविधा मिलेगी। और ये सारी जो सुविधाएं हैं दोस्तों, वो कब मिलेंगी? जब आप बीपीएससी के प्लस क्लास को आप सब्सक्राइब करेंगे। कैसे करेंगे बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब? तो या तो आप अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे और वहां से आप बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, या इस वीडियो के नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है बीपीएससी प्लस क्लास को सब्सक्राइब करने का। आप वहां भी जाके डायरेक्ट वहां से बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप कितने भी मंथ का कोर्स परचेज करें, जैसे आप 12 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं या 24 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं, दोस्तों जो फीस है उस फीस में आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे मिलेगा? तो आप मेरे रेफरल कोड राकेश वन का उपयोग करें। मेरा जो रेफरल कोड है RAKESH1, राकेश वन। जब इस रेफरल कोड का दोस्तों जब आप उपयोग करेंगे तो आपको आपके फीस में 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरा जो रेफरल कोड है राकेश वन, यह न सिर्फ बीपीएससी प्लस क्लास के लिए बल्कि अन एकेडमी पे जितने भी कोर्सेस उपलब्ध हैं उन सारे कोर्सेस के लिए वैलिड है। तो यदि आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं अन एकेडमी पे,
तो आप इस रेफरल कोड, मेरे रेफरल कोड राकेश सुमन का आप उपयोग कर सकते हैं और अपने फीस में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप बीपीएससी प्लस क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको प्लस क्लास का लाइव क्लास अटेंड करने की सुविधा मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट में भाग ले सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन में भाग ले सकते हैं और वीकली क्विज में भी आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, और ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब करने पे, और मेरे रेफरल कोड राकेश वन का जब आप उपयोग कर लेंगे तो आपको आपके फीस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मेरा रेफरल कोड बीपीएससी प्लस क्लास के अलावा अन एकेडमी पे जितने भी कोर्सेज उपलब्ध हैं उन सारे कोर्सेज के लिए वैलिड है। मेरे बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर है और मैं पिछले 10 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर के अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो या राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, ऐसे अभ्यर्थियों को मैं पिछले 10 वर्षों से भूगोल विषय के अलावा सीसेट पेपर जो है उसके लिए आपको बेसिक न्यूमेरेसी और रीजनिंग तथा बिहार पीसीएस का एक अत्यंत जो महत्वपूर्ण जो पाठ है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आपका 72 नंबर का मेंस में पूछता है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन DI एक ही में क्लासेस मैं लेता हूं और पिछले 10 वर्षों से मैं भूगोल, बेसिक न्यूमेरेसी, रीजनिंग और DI में बच्चों को मैं गाइडेंस दे रहा हूं, उनको इन सारे सब्जेक्ट्स में टीचिंग दे रहा हूं। UPSC, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इन सारे लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम्स हैं और एग्जाम्स का जो विभिन्न स्टेप है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसका एक लंबा अनुभव है मेरे पास। तो आप मेरे अनुभव का प्रयोग करते हुए प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना सकते हैं। जहां मैंने गलतियां की जिसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उन गलतियों से आप सीख लेंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में आप स्थान बनाएंगे। और यदि मेरे किसी सहयोग से यदि आपका सफलता आपको मिलती है तो मुझे हार्दिक खुशी होगी। मैं अभी अनअकैडमी पे अगस्त 2020 से मैं बीपीएससी के लिए मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो रेफरल कोड है राकेश वन है, जो अनअकैडमी पे जितने भी कोर्सेज उपलब्ध है वो सबके लिए वैलिड है। तो किसी भी कोर्स को यदि आप परचेज करते हैं तो जब मेरे रेफरल कोड राकेश वन का जब आप उपयोग करेंगे तो दोस्तों आपको आपके फीस में 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब अनअकैडमी एंड नाउ टू क्रैक बीपीएससी, लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, और हम लोग ज्योग्राफी विषय की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोगों ने विश्व के भूगोल से क्लासेस की शुरुआत किया था, विश्व के भूगोल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अब भारत के भूगोल में हम लोग, भारत के भूगोल के बहुत सारे हमने टॉपिक को पढ़ा है और आज का जो सेशन है वह सेशन अत्यंत इंपॉर्टेंट सेशन है। और आज हम लोग भारत के जो अपवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, उसके बारे में आज हम लोग क्लास दूसरी क्लास करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने यह देखा था, चूंकि जो भारत के अपवाह तंत्र का जो टॉपिक है उसका जो एरिया है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही अत्यंत व्यापक एरिया है, तो क्या हमको पढ़ना है और इसमें क्या हमको छोड़ना है यह हमको कौन बताएगा, तो जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो बताएंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न आयोगों के द्वारा, चाहे आपके बिहार हो, आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इवन UPSC, इन लोगों ने, इस सारे जो आपके आयोग हैं, इन आयोगों के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं भारत के अपवाह तंत्र से, कल हम लोगों ने उन प्रश्नों का अवलोकन किया था और हम लोगों ने यह देखा था कि आखिर कितने डेप्थ तक में जाके ये चीजों को पूछते हैं आयोग से। तो कल हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया था प्रश्नों के माध्यम से और आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत की जो नदियां हैं उनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, आपके हिमालय की नदियां, हिमालय नदी की जो नदियां हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं। तो हिमालयी जो नदियां हैं उसमें आपको गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत आपका इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बाद गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और गंगा तथा उसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर हम लोग देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे का हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं गंगा नदी तंत्र की सैर पे और
हिमालयी नदी तंत्र, जो गंगा नदी तंत्र हिमालयी नदी तंत्र का भाग है, तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि हिमालयी जो नदी तंत्र जो है उसके बारे में एक कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम के लिए बीपीएससी के 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आइए हिमालयी नदी तंत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जो हिमालयी जो नदी तंत्र है वह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जो हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां दोस्तों पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र की उदाहरण है। यह जो नदियां हैं वह हिमालय के उत्थान के क्रम से ही निरंतर अपरदन का कार्य करते रही हैं। ठीक है, और इनके द्वारा इस अपरदन के कार्य के कारण आपको गार्ज, महाखड़ इत्यादि का निर्माण होता है। ठीक है, हम लोग जब विश्व के भूगोल में जब हम लोग नदी के कार्य एवं उससे उत्पन्न स्थलाकृति को जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग ने देखा था कि नदियां अपने उद्गम से अपने मुहाने तक, जो नदियों का जो उद्गम है, अपने उद्गम से नदियों का जो मुहाना है, जहां पे नदियां जाके सागर में या किसी दूसरे नदी में मिलती है, वहां तक नदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं और नदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरा जाता है। कौन कौन सी अवस्था होती है नदी की? तो हम लोगों ने देखा था कि नदी की युवा अवस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, नदी की युवा अवस्था। उसके बाद नदियां जो है वो आपके प्रौढ़ा अवस्था में प्रवेश करती हैं, प्रौढ़ावस्था। फिर अंत में नदियां आपकी वृद्धावस्था में प्रवेश करती हैं। नदियों की तीन अवस्थाएं होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, और अपने उद्गम से नदी अपने मुहाने तक जो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, कौन कौन सा कार्य करती है? तो अपरदन का काम करती है, अपरदन का काम करती है। ठीक है, परिवहन का काम करती है, अपरदन का काम, परिवहन का काम, और नदी के द्वारा निक्षेपण का काम किया जाता है। ठीक है, अपरदन का काम, परिवहन का काम और निक्षेपण का काम। और नदी के इस अपरदनात्मक कार्य, परिवहन एवं निक्षेपात्मक कार्य के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का दोस्तों क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो जो गार्ज है, जो महाखड है, गार्ज, कैनियन वगैरह, ये सब नदी के अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में अपरदन, परिवहन, निक्षेपण, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन सब के बारे में हम लोगों ने विश्व के भूगोल को जब हम लोग पढ़ रहे थे और वहां नदी के कार्य तथा इससे उत्पन्न स्थलाकृतियों के जब चैप्टर्स को पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने अत्यंत व्यापक तौर पे, अत्यंत डिटेल्स में इसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो यूट्यूब पे आपको ये वीडियो आपको उपलब्ध है, आप चाहें तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं आप। ठीक है, और हम लोगों ने विश्व के भूगोल से दोस्तों इसीलिए क्लास की शुरुआत किया था कि विश्व के भूगोल से हम लोग क्या होगा कि भूगोल जो कंसेप्ट है, जो आधारभूत जो उसकी संकल्पना है, वो हमको समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद जब हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ेंगे या बिहार के भूगोल को पढ़ेंगे, तो हमको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो जो हिमालय जो नदी तंत्र है, हिमालय नदी तंत्र, वो आपके पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र के उदाहरण है और यह हिमालय के उत्थान के क्रम से ही निरंतर अपरदन का कार्य करते रहेंगे। ठीक है, अपरदन का कार्य करते रहेंगे, अपरदन, परिवहन, निक्षेपण का कार्य नदी के द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा गार्ज, महाखड यानी कि कैनियन इत्यादि का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, जो हिमालयी जो नदी तंत्र की जो नदियां हैं उनमें आपको सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि का क्या है? प्रमुख स्थान है और ये सारी क्या है? पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र जो दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हिमालय नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और आपके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जो नदियां हैं वो आपके अत्यंत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गंगा नदी तंत्र जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट हम लोग सेशन में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारतीय जो नदियां हैं उनके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र की जो प्रमुख जो नदी है गंगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। जो गंगा है वह भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा अपने उद्गम से
अपने मुहाने तक 2525 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा का जो उद्गम है वो कहाँ है? आपका गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। जो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से क्या होता है, गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, तो गंगा का जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। भिलंगना जो नदी है वह गंगा से टिहरी में आकर मिलती है, जबकि अलकनंदा जो नदी है वह गंगा से देवप्रयाग में आकर मिलती है। ठीक है, जो भिलंगना नदी है वह गंगा से टिहरी में आकर मिलती है, जबकि अलकनंदा नदी देवप्रयाग में गंगा से आकर मिलती है। ठीक है, और भागीरथी भागीरथी तथा अलकनंदा, भागीरथी तथा जो अलकनंदा जो नदी है जब ये आपस में मिल जाती है तो भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग गंगा कहते हैं। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त रूप को ही, संयुक्त धारा को हम लोग गंगा कहते हैं। गंगा जो है वह आपके पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में कहां प्रवेश करती है, तो यह आपके हरिद्वार में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा आपके हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की जो पहाड़ी है उसके उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या दोस्तों हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, गंगा झारखंड की सीमा पर, ठीक है, झारखंड की सीमा पर स्थित जो राजमहल की जो पहाड़ी है, इस राजमहल की पहाड़ी के उत्तर से वो प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और पश्चिम बंगाल का जो फरक्का जो स्थान है उस फरक्का स्थान के पास वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह गंगा है, ठीक है, और बांग्लादेश में, ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बांग्लादेश में जो गंगा है यह ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसको हम जमुना कहते हैं। ठीक है, जो आपका ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, यमुना नहीं दोस्तों, जमुना। ठीक है, जमुना कहा जाता है और गंगा को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है, और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल को त्याग देती है। ठीक है, यानी कि गंगा जो है वो आपकी गंगा के नाम से आगे बढ़ते हुए फरक्का के पास, पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और वहां पे इसको क्या कहते हैं, यहाँ वहां पे इसको हम पद्मा कहते हैं। ठीक है, पद्मा कहते हैं, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जब आपके बांग्लादेश में जब वहां पे पहुंचती है तो उसको हम लोग जमुना कहते हैं, और जब बांग्लादेश में जब आपकी पद्मा यानी कि गंगा और जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलती हैं तो उनकी संयुक्त धारा को हम लोग मेघना कहते हैं। ठीक है, और मेघना के नाम से ही यह जाके अपना बंगाल की खाड़ी अपने जल को यह त्याग देती है, और यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो जो सुंदरबन का जो डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पे क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के क्या है, बीच बनता है। जो हुगली नदी है गंगा का ही यह क्या है, गंगा की एक शाखा है, और मेघना क्या है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त रूप है, इनके बीच यह डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, अब आइए साहब बद्रीनाथ। बद्रीनाथ क्या है, एक आपका शक्तिपीठ है जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। जो चार जो पीठ आपके स्थापित किए गए थे, आदि पीठ उसको बोलते हैं ना, तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर क्या है, अवस्थित है। जो आपका केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के तट पे, और बद्रीनाथ दोस्तों अलकनंदा तट पे आपके अवस्थित है। और बद्रीनाथ जो मैंने अभी कहा कि बद्रीनाथ आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो चार जो पीठ हैं उन पीठों में से क्या है, एक है। ठीक है,
केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है? मंदाकिनी है। यह आपका बहुत बार पूछा गया है कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपका उत्तर हो गया क्या? मंदाकिनी। ठीक है, तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य जो प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो आपकी मंदाकिनी है। मंदाकिनी दोस्तों चोड़ाबाड़ी ताल से निकलती है, मंदाकिनी चोड़ाबाड़ी ताल से निकलती है और सोनप्रयाग में जाकर यह काली गंगा से मिल जाती है। मंदाकिनी नदी चोड़ाबाड़ी ताल से निकलती है और सोनप्रयाग में जाकर काली गंगा से मिलते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में जो मंदाकिनी है वो अलकनंदा से मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी दोस्तों अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ, जैसा कि मैंने बताया कि केदारनाथ आपका मंदाकिनी के तट पे है। जो बद्रीनाथ है वह आपके जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित चार पीठों में से एक है और यह अलकनंदा नदी के तट पे अवस्थित है। और जो केदारनाथ है, केदारनाथ अपने मूवी देखा होगा हम सबके, जो चैतन्य अभिनेता सुशांत सिंह जिसकी अत्यंत दुखद मौत हुई, तो केदारनाथ मूवी में वो है। तो केदारनाथ दोस्तों मंदाकिनी के तट पे क्या है, अवस्थित है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी जो है वो पिंडर नदी से मिलती है। ठीक है, आप यह याद रखना कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है और कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तरी पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित संतो पथ शिखर के हिमनद से निकलती है। ठीक है, जो अलकनंदा का जो उद्गम है वह कहां है दोस्तों, तो शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित संतो पंथ शिखर के हिमनद से इसका निकास होता है। इसके बाद दोस्तों जो गंगा की जो महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं, गंगा के बारे में हम लोगों ने जाना, तो गंगा की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनके बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें जो सबसे जो प्रमुख जो सहायक नदियों में से एक है वो है आपका यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी, यमुना नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो कहाँ है, आपके हिमालय का जो यमुनोत्री जो ग्लेशियर है। ठीक है, गंगा गंगोत्री से और हिमालय गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से कहां पे है, तो बंदरपूछ चोटी के पास है। ठीक है, तो यमुना है, यमुना का उद्गम हिमालय का यमुनोत्री हिमानी जो है बंदरपूछ चोटी है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर प्रवाहित होते हुए प्रयागराज में गंगा से क्या होती है, मिल जाती है। गंगा यमुना और सरस्वती का क्या है, संगम है प्रयागराज में और इसी संगम पे क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी बंदरपुष चोटी से निकलती है, गंगा के दाहिने किनारे से प्रवाहित होते हुए प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और यमुना की जो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, यमुना गंगा की सहायक नदी है और यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें आपको चंबल, बेतवा, केन, ये नदियां क्या है, ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुना नदी के बाद हम लोग पढ़ते हैं शारदा नदी के बारे में, शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी का उद्गम कहाँ है, तो यह नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, मिलाम हिमानी से। ठीक है, जो बच्चे ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल होगा यूपीएससी में, तो मिलाम जो है वो आपके यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैप का जो प्रश्न आता है उसमें मिलाम पूछा गया है। ठीक है, तो शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसको गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, शारदा नदी को प्रारंभ में गौरी गंगा के नाम से जानते हैं और भारत और नेपाल के सीमा पर इसको काली नदी कहा जाता है। ठीक है, शारदा नदी का ही नाम आपका गौरी गंगा है, भारत नेपाल सीमा पर इसको काली नदी कहते हैं और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आकर यह किससे मिल जाती है, तो यह आपके घाघरा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो शारदा नदी के बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट सूचना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है कि यह नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर, जो मिलाम जो हिमानी है वहां से निकलती है, प्रारंभ में इसको गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, भारत नेपाल सीमा पर इसको काली नदी कहते हैं तथा यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में घाघरा नदी से आकर क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, शारदा के बाद जो तीसरी जो महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है गंगा की वह है आपकी कोसी नदी। ठीक है,
कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में क्या होती है, मिलती है। ठीक है, कोसी नदी कहां से निकलती है, यह भी आपके नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा नदी मिल जाती है। और जो कोसी की विशेषता है वह विशेषता है इसके मार्ग बदलने की प्रवृत्ति। ठीक है, कोसी निरंतर अपना क्या होती है, प्रायः अपना मार्ग बदलते रहती है और इस मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इस नदी में भीषण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है और इसके कारण इसको बिहार का हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी और प्राय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है और इसी कारण इसको हम बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी के बाद जो जो दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वह आपकी गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी भी कहां से निकलती है, तो यह भी आपके नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना के समीप सोनपुर में यह गंगा नदी से मिलती है। गंडक नदी कहाँ मिलती है, सोनपुर में गंगा से मिलती है। वहां पे हरिहर क्षेत्र का क्या हरिहर मेला लगता है ना, सबसे बड़ा जो पशु मेला है, ठीक है, सोनपुर में। तो नेपाल हिमालय से गंडक नदी का उद्गम है और पटना के समीप सोनपुर में यह गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी जो नहर है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, वह गंडक नदी से ही इस नहर में क्या होता है, पानी आता है। गंडक सिंचाई परियोजना का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के समीप सोनपुर नदी में गंडक नदी का मिलन होता है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से ही पानी आता है और यह त्रिवेणी नहर जो है वह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, अत्यंत फेमस नहर है। ठीक है, गंडक नदी के बाद जो गंगा की सहायक नदी जो प्रमुख नदी है वह आपकी राम गंगा नदी। ठीक है, राम गंगा नदी, राम गंगा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी है। ठीक है, राम गंगा नदी जो है वह उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। ठीक है, रामगंगा नदी के बाद जो इंपॉर्टेंट जो नदी है वह आपकी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी कहां से निकलती है, तो अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है, और यह गंगा के दक्षिणी तट, ठीक है, यानी कि दाहिने किनारे पर दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, सोन नदी की और क्या विशेषता है कि यह पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, जो सोन नदी है वह अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदी है और यह गंगा के दक्षिणी तट यानी कि दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है और यह पठार के किनारों पर जलप्रपातों की एक सीरीज बनाती है, एक श्रृंखला बनाती है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और पटना के निकट गंगा में यह मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी के बाद दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी के बारे में दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे एग्जाम के लिए जरूरी, तो यह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है। दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी सिंचाई परियोजना आपने सुना होगा। तो दामोदर नदी जो है वह छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है और हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिल जाती है। ठीक है, हुगली नदी जो है जब अपने समुद्र में मिलती है उससे पहले हुगली नदी में दामोदर नदी मिल जाती है। ठीक है, और दामोदर नदी में भी क्या होता है, अचानक बाढ़ आता है। ठीक है, दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आता है और इस बाढ़ के कारण, अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसको बंगाल का अभिशाप कहते हैं। जिस प्रकार कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, उसी प्रकार दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। ठीक है, तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिलती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसको बंगाल का हम अभिशाप कहते हैं। ठीक है, और अगला जो प्रमुख नदी है वह नदी आपकी दोस्तों गोमती नदी। ठीक है, आपका जो लखनऊ है, लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे ही अवस्थित है। जो नवाबों का शहर लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ है दोस्तों, गोमत ताल है, फुल्लर झील, गोमत ताल, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, पीलीभीत। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद, जो पीलीभीत जो जिला है वहां पे गोमत ताल जो फुल्लर झील है वहां से गोमती नदी का उद्गम होता है और यह गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम क्या है,
मैदानी भाग में है, ठीक है। नहीं तो जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं उनका पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में ही क्या है, उनका उद्गम स्थल है। गोमती नदी ही एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम क्या है, मैदानी भाग में है। और कहाँ उद्गम है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जो गोमत ताल के पास जो फुल्लर जिले है वहां से गोमती नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने हिमालयी जो आपके जो नदियां हैं उन नदियों में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, ठीक है। भारत के अपवाह तंत्र का जो नेक्स्ट जो सेशन होगा उस सेशन में हम लोग सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख जो नदियां हैं उन नदियों का मैप में लोकेशन करेंगे और उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करेंगे, उनको हम लोग मगअप करेंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताना। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे रेफरल कोड राकेश1 का यदि आप उपयोग करेंगे तो आपको दोस्तों आपके फीस में 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मेरा रेफरल कोड सिर्फ बीपीएससी प्लस क्लास के लिए नहीं बल्कि अनअकैडमी पे जितने भी कोर्सेज उपलब्ध हैं उन सारे कोर्सेज के लिए वैलिड है। तो यदि आप अनअकैडमी से किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो मेरे रेफरल कोड यदि राकेश1 का उपयोग करेंगे तो आपको आपके फीस में 10% का दोस्तों आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे रेफरल कोड राकेश1 का उपयोग करते हुए फीस में आप 10% की डिस्काउंट प्राप्त करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल सर कल दोस्तों एक नए टॉपिक के संग, एक नई ऊर्जा, एक नए उमंग के संग। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और प्रशासनिक अधिकारी बनकर के समाज के जो अभिवंचित वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के संग मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल हम लोग फिर मिलते हैं 6 बजे। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, नमस्कार।